हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा वीडियो है बिफोर स्टार्टिंग एंड आफ्टर स्टार्टिंग। गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले क्या चेक करना चाहिए और स्टार्ट करने के बाद क्या चेक करना चाहिए, ताकि आप कोई भी मुश्किल में ना पड़े गाड़ी चलाते वक्त। इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के साथ बना रहूँ कोई भी टेक्निकल वीडियो के लिए। ठीक है, फिर दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोनेट लॉक को खींचेंगे ताकि बोनेट खुल जाए आगे का। रेडिएटर कूलेंट को हम लोग चेक करेंगे, इसमें कूलेंट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कूलेंट डालना है इसमें। रेडिएटर में कूलेंट हमेशा होना चाहिए, नहीं तो इंजन में प्रॉब्लम आ सकती है। ये कूलेंट टैंक है, एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अभी हम लोग ब्रेक ऑयल को चेक कर रहे हैं, ब्रेक ऑयल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इसमें ब्रेक ऑयल डालना है। ये क्लास ऑयल है, इसको भी हम लोग चेक करेंगे है कि नहीं। अभी इंजन ऑयल को चेक कर रहे हैं। ये डिपस्टिक है इंजन ऑयल देखने के लिए। इसमें दो लेवल मार्क है, हाई और लो। इंजन ऑयल हमेशा हाई लेवल पर होना चाहिए, ये लो लेवल है और ऊपर ये हाई लेवल है। ये हाई लेवल पर है, ये हाई लेवल पर इंजन ऑयल रहना चाहिए हमेशा। इसको दोबारा डाल देंगे अपने जगह में। ये देखिए, फैन बेल को चेक करना है, ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए। ज़्यादा लूज होने से वाटर पंप और अल्टरनेटर काम नहीं करेगा, तो इंजन ओवरहीट होगा और बैटरी चार्ज नहीं होगा। और ये है पावर स्टीयरिंग ऑयल टैंक, इसमें पावर स्टीयरिंग ऑयल हमेशा होना चाहिए। गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले ये सभी को हमेशा देखना जरूरी है। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले हमेशा क्लच दबा के न्यूट्रल पोजीशन को देखना है। गियर को न्यूट्रल पोजीशन में रख के ही इंजन को स्टार्ट करना है। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद कुछ चीजें देखना बहुत जरूरी है। इग्निशन की ऑन करने के बाद कुछ सिग्नल दिखाई दे रहा है ये। अभी हम गाड़ी स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके बाद देखते हैं। ये देखिए, बैटरी लाइट बंद हो गया है, इसका मतलब बैटरी चार्ज हो रहा है। अगर बैटरी लाइट जला रहेगा तो बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, इसमें कुछ अल्टरनेटर या बैटरी में कुछ फॉल्ट है। ये फ्यूल इंडिकेटर जो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है गाड़ी में फ्यूल कम है। फिर इसे स्टार्ट करके दिखाते हैं दोबारा। ये देखिए आप लोग, बैटरी और ऑयल प्रेशर का सिग्नल इंडिकेट कर रहा है। फिर से स्टार्ट करते हैं। ऊपर में जो सी करके जो लाइट इंडिकेट कर रहा है, ये टेम्परेचर का इंडिकेटर है। ये देखिए, बैटरी लाइट चला गया है अभी और ऑयल प्रेशर लाइट भी बंद हो गया है, इसका मतलब सब कुछ ओके है। उसके बाद क्लच पेडल को चेक करना है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है अच्छा अच्छी तरह से। हम लोग प्रेस करके देखेंगे क्लच काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लच, क्योंकि क्लच दबाने के बाद ही गियर लगा सकते हैं आप, गियर को आगे पीछे लगा सकते हैं रोड में चलाते वक्त। ये देखिए,
क्लास ओके है, उसके बाद चेक करेंगे ब्रेक को। ये देखिए हम लोग ब्रेक को चेक कर रहे हैं, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलाते वक्त भी धीरे से देखना है, अच्छी तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी लाइट को चेक करेंगे, ये है हेडलाइट स्विच और इंडिकेटर स्विच। ये देखिए हेडलाइट जल गया है, ये आगे पीछे करना है। ये है अपर डिपर, उसी में है अपर डिपर करने का स्विच, और इंडिकेटर भी है। ये देखिए राइट इंडिकेटर लेफ्ट इंडिकेटर, इसको चेक कर लेना है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ताकि रास्ते में दिक्कत ना पड़े। ये है जो चौराहे पे जाने का जो चारों इंडिकेटर जलता है, ये देखिए इसको लगा के आप स्ट्रेट जा सकते हैं, ताकि ड्राइवर को मालूम पड़ेगा कि आप सीधा जा रहे हैं बिना टर्न किए हुए। ये देखिए चारों इंडिकेटर जल रहा है। अभी इधर है वाइपर स्विच, जो आगे का शीशा जो पानी बारिश गिरते वक्त साफ करने का काम होता है, पानी हटाता है ये, तभी अच्छी तरह से रास्ता दिखाई पड़े आपको। ठीक है फिर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।